दोस्तों आपने नोट किया होगा, जब आप फोटोज़ लेते हैं अपने मॉडल्स के या पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में या किसी भी तरह की फोटोग्राफी में, तो वहाँ पर आपको जो स्किन टोन है वो आपको परफेक्ट नहीं मिलता, कलर्स परफेक्ट नहीं आते हैं, या हम कह सकते हैं कि वाइट बैलेंस है वो आपको ठीक से नहीं मिलता। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूँ छोटी सी टेक्निक जिससे कि आपका जो कलर्स है, स्किन टोन, या हम कह सकते हैं वाइट बैलेंस, वो आपको मिलेगा एकदम परफेक्ट। तो इस वीडियो को सभी बिगनर फोटोग्राफर्स एंड तक जरूर देखिए। सो वेलकम बैक टू माई चैनल फ्रेंड्स, दिस इज मनीष सक्सेना। शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर सबसे पहले मैं एक फ़ोटो शूट करूंगा और वहां मैं आपको दिखाने वाला हूं कि भाई पिक्चर्स में जो हम गलतियां करते हैं, यानी कि हमारे कलर्स ठीक नहीं आते, स्किन टोन ठीक नहीं होता, तो उसको हम कैसे ठीक करें। तो आज फिलहाल मेरे पास कोई मॉडल नहीं है, लेकिन मैंने अपने असिस्टेंट यानी कि प्रीतम को बोला है कि आज वो मॉडल का रोल निभाए। तो प्रीतम प्लीज़ कम हियर, जस्ट हैव अ सीट। सो प्रीतम को आप देख पा रहे हैं, प्रीतम स्टूल पर बैठा है। तो प्रीतम का पहले एक मैं पोर्ट्रेट लूँगा और पोर्ट्रेट लेने के बाद दोस्तों देखेंगे उसमें क्या इशू है कलर्स का और उसको कैसे ठीक करना है। तो सबसे पहले एक पिक्चर लेते हैं प्रीतम का। आर यू रेडी प्रीतम? एक पिक्चर लेते हैं यहाँ और एक सिंपल सा छोटा सा मैंने एक पोर्ट्रेट ले लिया है और आप स्क्रीन पे ऊपर देख पा रहे हैं दोस्तों की जो पिक्चर है वो मैं अच्छी मिली है, और लेकिन आप कलर देखेंगे तो देखिए थोड़ा सा फेस जो है थोड़ा सा ब्राउनिश ऑरेंजिश टाइप्स का फेस, यानी कि जो स्किन का जो कलर है वो नेचुरल बिल्कुल भी नहीं आया है। और ये बहुत सारे फोटोग्राफर्स गलती करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूं कि मैं फ़िलहाल अभी आपको इंडोर में शूट कर रहा हूं जहां मैं एक अपना जो है लाइट यूज़ कर रहा हूं, लेकिन ये प्रॉब्लम आपको आउटडोर में भी आती है और तरीका वही रहेगा जो मैं आपको भी बताने वाला हूं। अगर आप आउटडोर में भी शूट कर रहे हैं तो वही तरीका आपको आउटडोर में भी अपनाना है। बाहर बारिश हो रही है इसलिए हम आज इंडोर में शूट कर रहे हैं। तो अब हमें क्या करना है कलर्स को ठीक करने के लिए, मैं यहाँ यूज़ करूँगा दोस्तों देखिए इस तरह से एक ग्रे कार्ड। ये ग्रे कार्ड आपको कहीं भी मिल जाएगा, 400-500 रुपए का आता है। इसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दिया, उसे आप खरीद लीजिए और देखेंगे कैसे हम ठीक करते हैं। और यहाँ पर प्रीतम जो को मैंने भी ये दे दिया है, तो प्रीतम हाँ थोड़ा आप इसको नीचे रखिएगा। और दोस्तों एक बात और आपको बताना चाहूँगा कि मैं यहाँ पर टेदर शूटिंग कर रहा हूँ, यानी कि मेरा जो कैमरा है वो टेदर केबल के थ्रू इस सॉफ्टवेयर में कनेक्टेड है। अब ये कौन सा सॉफ्टवेयर है मैं यूज़ कर रहा हूँ, कैप्चर वन प्रो, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। 30 डेज़ का आपको फ्री ट्रायल वर्जन मिल जाएगा, या अगर आपके पास में लाइट रूम है तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों सॉफ्टवेयर के अंदर जो है आप कलर्स को एकदम परफेक्टली जो है बैलेंस कर पाएंगे। अब लेता हूँ मैं एक पिक्चर और देखते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है इमेजेस में। तो यहाँ पर एक पिक्चर और लेते हैं। प्रीतम रेडी? तो मैंने प्रीतम को बोला थोड़ा सा नीचे रखने के लिए अपने नेक के, प्रीतम ने वैसे ही रखा है। एक पिक्चर और मैंने लिया है। सो नाउ यू कैन सी फ्रेंड्स, ये पिक्चर मैंने लिया है ग्रे कार्ड के साथ। अब ये ग्रे कार्ड जो है 18% ग्रे है और ये टेदर शूटिंग में यहाँ पर आ गया। तो अब आप थोड़ा सा मैजिक देखेंगे कैसे कलर्स हमारे परफेक्ट होते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, मैंने यहाँ पर देखिए राइट हैंड साइड में आप देख पा रहे हैं ये वाइट बैलेंस, यानी कि ये वाइट बैलेंस ठीक करने के लिए है, जिसे हम कहते हैं यहाँ पे वाइट बैलेंस पिक करने के लिए, यानी कि पिक वाइट बैलेंस। ये देखिए ऑरेंज का ऑरेंज कलर में हो गया जैसे मैंने इसके ऊपर कर्सर लेकर गया। अब इसको मैं पिक वाइट बैलेंस को लेके जाऊंगा सीधा यहां पर आप देख पा रहे हैं ग्रे कार्ड के ऊपर और सेंटर पे जाके क्लिक करूंगा एंड यू सी द मैजिक कैसे कलर्स एकदम करेक्ट होते हैं। और देखिए जैसे ही मैंने इसे क्लिक किया, ये देखिए क्लिक करते हैं अब आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे कलर्स हमारे जो है कितने परफेक्ट हो गए हैं, यानी कि अब आप देख पा रहे हैं कि नेचुरल आपको स्किन टोन मिल रहा है, वाइट बैलेंस एकदम करेक्ट हो गया है और जो भी प्रॉब्लम आ रही थी कलर्स के अंदर वो आपने कितनी आसानी से ठीक कर ली। तो ये एक छोटी सी टेक्निक है जो आपको पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में, या अगर आप कोई भी प्रोडक्ट फोटोग्राफी कर रहे हैं या कोई मॉडलिंग पोर्टफोलियो शूट कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपके पिक्चर्स जो है उसके स्किन टोन जो अगर आपकी नेचुरल नहीं है तो पिक्चर में दम नहीं लगता दोस्तों, भले आपने कितना भी अच्छा लेंस या कैमरा यूज़ किया हो। तो ये छोटी सी टेक्निक थी दोस्तों ठीक करने की, और काफ़ी टाइम से लोगों ने कहा था कि सर आपने वीडियोज़ तो बनाया लेकिन आपने लाइव करके नहीं दिखाया, तो मैंने आज छोटा सा वीडियो बना के आपको लाइव करके दिखा दिया। उम्मीद है आपको ये टेक्निक पसंद आई होगी और आपने सीखा होगा कि कितने कम टाइम के अंदर जो है आप वाइट बैलेंस या आपके स्किन टोन जो है वो आप करेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से लाइक करो और चैनल जब आप सब्सक्राइब करते हो तो दोस्तों दिल को लगता है बहुत ही अच्छा। जल्दी मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।